हेलो एवरीवन, तो चलिए आज मार्केट वाली बनाती घर पर अंगूरी रसमलाई जो खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती, तो वीडियो करते स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिया 300 ग्राम पनीर, इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से तोड़ लेंगे। आप चाहे तो हाथों से पनीर को अच्छे से मसल मसल के स्मूथ कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। हाथ से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा और मिक्सी में आपके 1 मिनट में हो जाएगी। तो चलिए इसे फेंट लेते अच्छे से। ये देखिए पनीर कितनी स्मूथ हो गई है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच मैदा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी डालने से क्या होगा, आपके रसगुल्ले में क्रैक्स नहीं होंगे, स्मूथ बनेंगे। यहाँ पे मैं लिया 4 ग्लास पानी। अब इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे। हाई फ्लेम में चाशनी को कुक करेंगे। अब हाथों में घी लगा लेंगे, इससे बॉल्स आपके स्मूथ बनेंगे। अब पनीर को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, इससे आपके बॉल्स बराबर बनेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं बनेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स का ध्यान रखिए कि इसमें क्रैक्स नहीं हो, नहीं तो आपके रसगुल्ले टूट सकते हैं। अब यहाँ पे हाई फ्लेम में सारे रसगुल्ले को हम डाल देते हैं। इसे हम 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट रसगुल्ले को और कुक कर लेते हैं। इस तरह चम्मच से इसे चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे मिले आधा के जी दूध, इसमें डाली इलायची पाउडर, 1 कटोरी चीनी। अब इसमें डाले केसर। आपके पास अगर केसर नहीं है तो आप इसे हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है बादाम। हाई फ्लेम पे हम इसे रबड़ी को तैयार करेंगे। अब रबड़ी हो गई तैयार, इसे भी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। रसगुल्ले भी ठंडे हो गए। रसगुल्ले को हाथों के हेल्प से हल्का हल्का इसे रस निकाल देंगे। अब इसे ट्रे में असेंबल कर देते हैं सारे रसगुल्ले को इसी तरह। अब इसके ऊपर तैयार किया रबड़ी डाली। अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए बादाम स्प्रिंकल कर देती हूँ। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो, पिस्ता हो, काजू हो, वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा केसर ऐड करती हूँ, इसे देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। इसे मैंने 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था। अब इसे ट्राई करते हैं। तो बनके तैयार हो गए आपकी अंगूरी रसमलाई। जो एकदम स्वादिष्ट लग रही देखने में। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं।